हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इस एडिटोरियल को जिसका नाम है अ मिस एडवेंचर जिसको एंटाइटल किया गया है अ मिस एडवेंचर के तौर पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि किसी भी एडिटोरियल का जो टाइटल होता है इस टाइटल से हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए एटलीस्ट वी शुड कम टू नो द कॉन्टेक्स ऑफ द एडिटोरियल नो क्या कॉन्टेक्स्ट है मीन जब हम इतनी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वेरी इमीजिएटली वी शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस कॉन्टेक्स्ट सो वाई दिस इज़ कॉल्ड अ मिस एडवेंचर तो इस मिस एडवेंचर कहा गया है इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई गलती किसी ने की है एडवेंचर को हम देखते हैं कि ये साहस के तौर पर माना जाता है और मिस एडवेंचर इज इज़ दुस्साहस एक दुस्साहस हो गया है और ये दुस्साहस किया है तमिलनाडु के गवर्नर ने जिनका नाम है आर एन रवि आर एन रवि ने क्या दुस्साहस किया है ऐसा माना जाता है कि गवर्नर मस्ट यूज हिज ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉरल्स द कॉन्शियंस एंड ऑल्सो द कॉन्शियसनेस ओके बहुत ही आ, खास किस्म की बातें हैं जो गवर्नर से उम्मीद की जाती है लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि गवर्नर्स आर जनरली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ दैट सेंट्रल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी सत्ता होती है वो गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन करते हैं और uh, प्रेसिडेंट uh, जी उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर uh, राज्य में राज्य का जो भी चल रहा है काम चल रहा है उसकी तरफ ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ये ध्यान उन्होंने अपने कॉन्शियंस को लेकर अपने मॉरल्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर सोचना चाहिए लेकिन बहुत बार ऐसा ना होने की वजह से वी फाइंड दैट देर इज ऑलवेज द क्राइसिस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देर इज ऑलवेज द क्राइसिस बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज सच कुछ इसी तरीके की बात आर एन रवि ने कहा की है जिसको मिस एडवेंचर के तौर पर इस एडिटोरियल में बताया गया है सो वॉट इज दैट कि ही वॉज ऑन द मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट हीज टेन्युअस ग्रास्प टेन्युअस ग्रास्प जो, कि जो एक बहुती बहुती, आ, है उनकी जो है बहुत ही सलेंडर बहुत ही वीक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी जो कि बहुत ही वीक अंडरस्टैंडिंग है इनको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है बाय सैकिंग द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर थे उन मिनिस्टर्स को उन्होंने बर्खास्त कर दिया अपनी पावर में यूजिंग हीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवेस इन एन एक्शन विदाउट प्रेसिडेंट दिस एक्शन इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड एक्शन इस एक्शन को बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड माना जा, माना जाता है माना गया है दिस एक्शन इज कॉल्ड द एक्शन विदाउट प्रेसिडेंट एंड एज इट टर्न्स आउट विदाउट नो बिना किसी आगे की बात को सोचे हुए इस निर्णय को लिया गया एंड बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएटली ही कम्युनिकेटेड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर एम के स्टैलिन टेबालजी अ स्टेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हुल कस्टडी नाउ जो अभी हॉस्पिटल में है और जुडिशियल कस्टडी में है विंटेबालजी जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एलिक्ड माना गया है यू नो विदिन आवर्स लेकिन फॉरन विद इन आवर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री मिनिस्टर ही अगेन रोड टू द चीफ मिनिस्टर दैट ही वॉज होल्डिंग होल्डिंग द ऑर्डर इन अबेंस सो द ऑर्डर को होल्ड किया गया है द ऑर्डर हैज बिन केप्ट इन अबेंस आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर हैज एडवाइसड इट एंड वॉज इंस्टीट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फिर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ओपिनियन भी मांगा गया है वन वुड है गवर्नर एक्सपेक्टेड टू अबाइट ऐसा माना जाता है दैट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वुड हैव है अप्रोप्रिएट लीगल ओपिनियन प्रायर टू हिज डोस्टिक एक्शन किसी भी बड़ी एक्शन को लेने से पहले ऐसा माना जाता है दैट द गवर्नर शुड टेक ओपिनियन फ्रॉम द लीगल बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक दिस अटर्नी जन जनरल ऑफ इंडिया लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस केस में एंड सो दिस इज कॉल्ड मिस एडवेंचर एज सच मिस्टर रवि हैड टू बी एडवाइज टू सिक एक्सपोज फैक्टो लीगल ओपिनियन रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि बहुत ही मिस्टेनियस ग्राफ्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर मानी जाती हैं तो उनसे ये उम्मीद थी डेट ही शुड हैव टेकन द एडवाइस फ्रॉम

he is acting on the cabinet's aid and advice and the appointment of the government, uh, the appointment of the chief minister and other ministers. ki constitution ne unko chief minister और other जो ministers से उनको appoint करने की जो एक constitutional power दी है, लेकिन इस power को उन्हें use करना है with the help of the cabinet's aid and advice. ये बात वो भूल गए Unilaterally, he had taken the decision of sacking the minister. So this is a misadventure, isliye a misadventure hai. You know, uh, thoda aage we shall see the constitutional scheme set out these articles uh, gives no room for doubt that the governor, governor has no discretion in the matter of appointing and removing ministers which is under the minister's domain. You know, चीफ मिनिस्टर्स डोमेन में जो बात आती है उसमें बिल्कुल इंटरफेयर करने का इन्हें कोई भी आ, कोई भी इन्हें मिस हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स डोमेन एज सच फिर हम चले चलते चले जाएंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स मिस्टर रवि हैज सॉट to justify the extraordinary action by referring to the allegation against the minister and the supreme court of india's observation in a recent order. however, any call to remove a minister is an appeal to moral sense. Kisi bhi minister ko agar hai, it is an appeal to a moral sense rather than a legal requirement for the governor to remove someone unilaterally on the ground that टू ड्रॉपिस्टर वेंट अन बट अस्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर माना गया है कि जो उनका अर्लियर काउंसिल था इस अर्लियर काउंसिल ने इट वेंट अन ध्यान नहीं दिया एंड सो आई हैव टेकन द डिसीजन ऑफ द शॉर्ट विच इज कॉल्ड द मिस एडवेंचर ऑफ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एस एच इट विल बी डिज़ायरेबल इफ मिनिस्टर्स फेसिंग चार्जेस क्विट ऑन अब बात यहाँ पर आती है कि ये डिज़ायरेबल है डिजायरेबल ऐसे है कि अगर खुद वो मिनिस्टर जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो अपनी मॉरल ड्यूटी समझ कर अपना चार्ज क्विट कर दे छोड़ दे अबंडन कर दे पद त्याग कर दे ऐसा बहुत सारे मिनिस्टर्स ने किया है हमें पता है रेलवे दुर्घटना होने के बाद फौरन बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया था अपनी पोस्ट से दूर हो गए थे लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर एग्जाम्पल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक मॉरल ग्राउंड के तौर पर होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर उन्हें रिमूव कर सकते हैं लेकिन इसमें फिर एक बात इस ये आ रही है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया तो चीफ मिनिस्टर वांटेड टू शील्ड द ऑफिस यू नो चीफ मिनिस्टर भी अपनी जो ऑफिस है अपने ऑफिस को शील्ड करना चाहते थे फॉर द अवॉइड फेसिंग द चार्ज दैट इज प्रोवाइडिंग अील्ड ऑफ ऑफिस फॉर द मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए एम uh, के स्टेलिन चीफ जो मिनिस्टर हैं उनको बिल्कुल भी सैक नहीं कर रहे हैं दूर नहीं कर रहे हैं निकाल नहीं दे रहे हैं टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ऑन द और दैट द मिनिस्टर प्रेजेंट इन कैबिनेट इज ऑबस्ट्रक्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बट नथिंग कैन एक्सक्यूज द गवर्नर्स मिसएडवेंचर ये सारी बातें सही हैं ये सारी बातें हम मानते भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो मिसएडवेंचर मिस्टर रवि द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने किया है उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द मिसडवेंचर ऑफ मिस्टर रवि थैंक यू